ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। तो क्या है आज की खबर? आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 आपके पुनीत के साथ। केंद्रीय बजट यानी कि मोदी 3.0 का सालाना बजट बस आने ही वाला है, और इस बजट से हर बार की तरह इस बार भी कई उम्मीदें लगाई जा रही हैं। माना जा रहा है कि इस बार कुछ बड़े ऐलान भी सरकार कर सकती है। साल 2024-25 के बजट में ऐलान हो सकते हैं जिसमें एक खास वर्ग को फोकस में रखा जा सकता है, जैसे कि मजदूर या गरीब श्रेणी में आने वाले लोग और खेती किसानी करने वाले परिवार। इसके साथ ही महिला तबके को भी ध्यान में रखकर सरकार इस बजट में कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक सरकार बड़े वर्ग को साधने के लिए किसान सम्मान निधि के साथ ही आयुष्मान योजना को लेकर कुछ बड़ी घोषणा कर सकती है। इसके पीछे तीन कारण हैं। एक तो 3 साल से आयुष्मान योजना में कोई बदलाव नहीं किया गया। दूसरा, बजट पूर्व दिया गया राष्ट्रपति का अभिभाषण जिसमें उन्होंने आयुष्मान भारत योजना को लेकर बड़ी बात कही थी। और तीसरा, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी आयुष्मान योजना को लेकर आने वाले वक्त में बड़ा ऐलान करने की घोषणा कर रखी है। और ऐसे में यह माना जा रहा है कि आयुष्मान योजना का दायरा सरकार की तरफ से बढ़ाया जा सकता है। तो आज हम इसी आयुष्मान योजना के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे ये योजना जो है इसकी शुरुआत सरकार ने साल 2018 में की थी। इस योजना को आयुष्मान भारत योजना के अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत अभी पात्र लोग 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करा सकते हैं। पात्र कौन है, कहाँ कहाँ इलाज कराया जा सकता है, ABCD पूरी बताएंगे, ये भी आप जान लीजिए। फिर आपको ये बताएंगे कि सरकार की प्लानिंग क्या है, क्या कर सकती है सरकार। अभी 34 करोड़ से ज्यादा लोग आयुष्मान योजना का फायदा उठा रहे हैं। सरकारी के साथ निजी यानी कि प्राइवेट अस्पताल में लोग 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करा सकते हैं, और इस इलाज का पैसा सरकार की तरफ से दिया जाता है। वैसे यहां यह जानना जरूरी हो जाता है कि इस आयुष्मान योजना के कार्ड के नाम पर निजी अस्पतालों में घोटाला भी सामने आ रहा है, और इस पर सरकार की नजर बनी हुई है, कड़ी नजर बनी हुई है, और लगातार कार्रवाई इस मामले में की जा रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ ही पूरे देश में ऐसे अस्पतालों पर नजर रखी जा रही है जहां पर कार्ड पर इलाज करने के बावजूद मरीजों से भी पैसे की उगाही कर ली गई। हाल ही में छत्तीसगढ़ में ऐसे 48 अस्पतालों पर एक्शन लिया गया जिसमें से 11 अस्पतालों पर सरकार की तरफ से जुर्माना लगाया गया, जबकि एक अस्पताल का तो रजिस्ट्रेशन ही रद्द कर दिया गया। वैसे मध्य प्रदेश में हो रहे ऐसे फर्जीवाड़े पर सरकार सख्ती दिखाती रही है। इस सबसे इतर आपको यह भी बता दें कि निजी अस्पतालों में यानी प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज को लेकर देश के सभी राज्यों में अपना अलग अलग पैकेज तय यानी कि निर्धारित किया गया है। हाल ही में यह खबर भी सामने आई कि सरकार ने कुछ बीमारियों को निजी अस्पतालों में इलाज कराने की कैटेगरी से बाहर कर दिया है, यानी कि इन बीमारियों का इलाज आप सरकारी अस्पताल में तो करा सकते हैं, लेकिन निजी अस्पताल में अगर इलाज कराया जाता है तो कार्ड का इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे, यानी सरकार उसका पैसा नहीं भरेगी। तो जैसा कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि 34 करोड़ से ज्यादा लोग आयुष्मान योजना का फायदा अभी ले रहे हैं, लेकिन खबर यह है कि सरकार इसमें बदलाव करने जा रही है। अब माना यह जा रहा है कि सरकार इस बजट में यानी इस साल के बजट में आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की घोषणा कर सकती है, यानी कि इनके मुफ्त इलाज के लिए कोई शर्त कोई बंधन नहीं रहेगा। इस घोषणा के बाद इनकी संख्या करीब 38 करोड़ हो जाएगी, यानी कि ये लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करा सकते हैं। इनके इलाज का पैसा सरकार देती है। दरअसल आयुष्मान कार्ड को लेकर कुछ नियम कायदे हैं, इसमें पात्र अपात्र का भी एक नियम है, लेकिन कहा जा रहा है कि सरकार इस बजट में बुजुर्गों के लिए सारी शर्तें हटा देगी पात्रता को लेकर, यानी कि इनकम, पेंशन, बैंक बैलेंस, जमीन, पुरानी बीमारियों के आधार पर किसी भी बुजुर्ग को इस योजना के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता। देश में 70 साल से ज्यादा उम्र के करीब 4 करोड़ लोग हैं। अगर आपको यह जानकारी नहीं है तो यह आपको जानना जरूरी है कि इस योजना में पुरानी बीमारियां भी कवर होती हैं। किसी बीमारी में अस्पताल में एडमिट होने से पहले और बाद के खर्च इसमें कवर होते हैं। इसके अलावा सभी मेडिकल जांचें, ऑपरेशन, दवाइयों का खर्च भी इसमें शामिल है।
वैसे अभी तक की जानकारी के मुताबिक इस योजना से देश भर में करीब 6 करोड़ से ज्यादा लोग मुफ्त इलाज करा चुके हैं। और जहां तक बात आयुष्मान कार्ड की है तो मध्य प्रदेश में 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के पास आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 5 करोड़ 11 लाख लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है। वहीं देश भर की बात करें तो 30,174 अस्पताल आयुष्मान योजना से जोड़े गए हैं ताकि लोगों को उसका फायदा मिल सके। अब आयुष्मान कार्ड कौन बनवा सकता है ये जानना भी जरूरी है। वे लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, वे लोग जो अनुसूचित जाति या जनजाति से आते हैं, वे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे वाले दायरे में हैं, वे लोग जो दिहाड़ी मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं, वे लोग जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, वे लोग जिनके परिवार में कोई दिव्यांग हो, वे सभी लोग आयुष्मान योजना का कार्ड बनाकर लाभ ले सकते हैं। लेकिन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे ये भी जान लेना चाहिए। ये भी जानिए कि कौन कौन इस आयुष्मान कार्ड का फायदा नहीं ले सकता है, इसको जानना भी जरूरी है, सबके लिए नहीं है। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग, जिन लोगों का पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड कटता है, जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं, जो लोग इनकम टैक्स अदा करते हैं, जो लोग ईएसआईसी के सदस्य हैं और जिनके पास पक्का मकान और गाड़ी है, वे लोग इस दायरे से बाहर आते हैं। हालांकि अगर सरकार की तरफ से 70 साल से अधिक के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड को लेकर शर्तें हटा दी जाती हैं तो वे सभी लोग जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है वे इसमें शामिल हो जाएंगे। फिर चाहे इनकम, पेंशन, बैंक बैलेंस, जमीन या पुरानी बीमारियों वाली कोई भी कंडीशन इन लोगों पर लागू नहीं होगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो अगर आप भी आयुष्मान कार्ड बनवाना चाह रहे हैं तो आप घर बैठे ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि इसकी प्रोसेस आखिर है क्या। इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर, गूगल का प्ले स्टोर जो है, इससे योजना की ऐप या फिर आप आधिकारिक वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर इसमें दर्ज कराना होगा। इस नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी आएगा तो उसी ओटीपी को आपको भरना होगा। उसके बाद अपनी पात्रता को चेक करने के लिए आप नाम डालें, राशन कार्ड या फिर आधार नंबर का इस्तेमाल करें। आगे आपको योजना से जुड़ने के लिए EKYC भी, नो योर कस्टमर जो कहा जाता है, वो कराना होगा। फिर आपकी सभी जरूरी जानकारियां भरने के बाद अपनी एक फोटो आपको क्लिक करानी है, जिसे अपलोड करने के बाद जैसे ही आपकी सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है आपका कार्ड बन जाएगा। अगर आप पात्र हैं तो इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। वैसे इसकी पूरी जानकारी pmjay.gov.in पर आप हासिल कर सकते हैं या फिर योजना की ज्यादा जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर भी है और इस टोल फ्री नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर क्या है आप नोट कर लें, 1455। आप इस पर कॉल कीजिए और इस पर पूरी जानकारी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी।